Hi, good afternoon. 18th of September. September ही चल रहा है ना? हाँ. यार कुछ नहीं पता होता यार कुछ नहीं पता होता. So 18th of September और टाइम है 11 बजे 11 AM और हम अभी यहाँ पे आए हैं गू विलेज. ये गाजा से कुछ 60-70 किलोमीटर्स पहले हैं. हाँ गू ग्यू वट एवर जी यू तो ये विलेज फेमस है एक मम्मी के लिए और दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे वो मम्मी है. तो अभी हम यहाँ अंदर जाने वाले हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है. बाय द वे लोकेशन बहुत शानदार है और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे. कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं है. सो अभी हम जाएंगे अंदर और देखते हैं. आई डोंट नो कि इस पर्टिकुलर प्लेस में हमें एंट्री अलाउड है या नहीं. देखने में तो ये बंद लग रहा है. सो हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगी है. काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं. ये हमारा 4th और 5th डे है और पूरा दिन सड़क पे जा रहा है आजकल. तो हमें जूते इधर बाहर ही उतारने होंगे. ये वो कमरा है. एक्चुअली इस कमरे को एज इट इज रखा गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. और इसके पास में ये एक जगह बनाई गई. आई थिंक इसमें ऊपर जाने का रास्ता है. हम यहाँ ऊपर जाने वाले हैं. दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. रिमूव योर शूज आउटसाइड. ये जूते उतारने के लिए बोला गया तो हम उतारेंगे जूते. और ये जूते की हालत बहुत बुरी है. चश्मा रखेंगे यहाँ पे ताकि हम बिल्कुल रियल व्यू देख पाए. एंड दिस इज द गेट. डिफरेंट सी फीलिंग है. बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग है. ऑलमोस्ट लुक नाक कितने सही है, उससे ज्यादा ही साफ है. आई डोंट थिंक कि सिटिंग पोजीशन में भी मम्मीज कहीं और मिलती होंगी. ये एक बहुत ही रेयर चीज है. लोग यहाँ पे बहुत सारे पैसे डाल के जाते हैं. हाथ में माला है और स्किन अभी तक इंटैक्ट है. नॉर्मली स्किन इंटैक्ट नहीं रहती ना, डिकम्पोज होती है, पर ये नहीं है. और सिर पे बाल भी दिख रहे हैं. बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके पीछे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इन्होंने यहाँ पे लोकेलिटी में कुछ कोई एपिडेमिक हुआ था तो उससे बचाने प्लेग या कुछ ऐसा, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने समाधि ली थी बैठे बैठे. तो दैट्स हाउ शी डाइड. शी यस शी वाज अ लेडी. स्ट्रक्चर ही तो है ना, बाकी तो सब इसमें खत्म हो चुके हैं.
अमेजिंग फीलिंग एकदम फेस पे अभी भी एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, है ना? चलो चलते हैं, हमारे पास इतना ही टाइम है।